हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास सिक्स का हिस्ट्री, जिसका पार्ट दो है। इस क्लास का मेन फोकस रहेगा आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसी पे फोकस है इसका। यानी कि इस क्लास में हम जो भी सवाल कराएंगे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आज देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है। देखिए, आज का क्लास है हम लोग लिए हैं पार्ट दो से, जिसका टाइटल है आरंभिक समाज। आरंभिक समाज का मतलब होता है प्रारंभिक समाज, यानी स्टार्टिंग में जो समाज था हमारा वो कैसा था। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि आरंभ में मनुष्य क्या खाते थे, यानी स्टार्टिंग में जो मनुष्य थे, जो इंसान थे, वे क्या खाते थे। क्योंकि वे उस समय ना फसल उगाना जानते थे, ना पेड़ पौधे उगाते थे, तो वो खाते क्या थे, वो ज़िंदगी कैसे जीते थे। तो वो फल, कंद, मूल, पत्ते, यानी आप समझ गए होंगे, फल, कंद, मूल, ठीक है, जमीन से निकला हुआ कोई भी चीज़, जड़ हो, वो सब खा लिया करते थे। तो वही फल, कंद, मूल, पत्ते आदि खा करके वो अपना जीवन जीते थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि आदि मानव के रहने का स्थान क्या था। तो गुफा थे, नदियों थे, झीलों के किनारे वो रहते थे। पहला हो गया गुफाओं में रहते थे। गुफाओं के मतलब पहाड़ के जो खोल होते हैं, जिसमें पहाड़ दोनों साइड से पहाड़ रहता है, बीच में जगह रहता है, उसे हम लोग गुफा कहते हैं। तो ये लोग पहले गुफाओं में भी रहते थे, और नहीं तो नदियों के किनारे भी रहा करते थे और झीलों के किनारे भी रहा करते थे पानी की सुविधा के लिए। ठीक है, अगला है सवाल हमारा कि जिन जगहों पर आदि मानव के औजार मिले हैं, यानी कि औजार जिनसे वो जानवरों पर हमला किया करते थे, तो जिन जगहों पर आदि मानव के औजार मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, तो उन्हें कहेंगे हम लोग उद्योग स्थल। उद्योग स्थल का मतलब होता है, देखिए, जैसे कोई इंसान कुछ कार्य कर रहा है ना, जैसे कोई बिस्किट बना रहा है कोई जगह पे, एक रूम लेकर के वहाँ पे वो बिस्किट का निर्माण कर रहा है, तो वो बिस्किट उद्योग कहलाएगा। वहाँ पे कोई अगर चप्पल निर्माण कर रहा है तो वो चप्पल उद्योग कहलाएगा। ठीक है ना, या नहीं तो कोई आदमी अपने घर पर भी अपना निर्माण करता है, तो इसलिए कहा गया या तो वो उद्योग स्थल होगा या वो आवासीय स्थल होगा, या तो उसके काम करने का जगह होगा या नहीं तो उसके रहने का जगह होगा। क्यों कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर आदि मानव के औजार मिले हैं, आदि मानव का औजार मिला है, तो अब बताइए वो जगह कौन सा हो सकता है। या तो वो वहाँ पे काम करता है, औजार बनाता है, या नहीं तो ये उसका घर है जहाँ पे वो अपना औजार रखता है। ठीक है, समझ गए आप। अगला सवाल है हमारा कि आदि मानव ने औजार बनाने की कौन सी विधि अपनाई होगी। आदि मानव लोग ने जो औजार बनाई जानवरों को मारने के लिए, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे शेर, बाघ, ये सब चीता वगैरह से बचने के लिए भी औजार इन लोगों ने बनाया, तो क्यों बनाया था, यानी किस तरह से बनाया था, क्या टेक्नोलॉजी थी उन लोगों के औजार बनाने की। तो वो लोग औजार जो बनाते थे वो पत्थरों को पत्थर से टकरा कर, यानी दो पत्थर लेकर के दोनों पत्थर को टकरा कर उसको एक औजार का रूप दे देते थे, एक नुकीला पदार्थ बना लेते थे जिससे जानवरों पर वो हमला कर सके। ठीक है, तो पहला विधि आप लोग समझ गए कि पत्थर से पत्थर को टकरा कर। दूसरा विधि है दबाव विधि। ये कौन सी विधि होती थी, अब जैसे कोई हड्डी है, किसी जानवर की हड्डी को ले लिया, हड्डी को रख दिया, अब हड्डी को वो क्या करेगा, उसको जो है ना पत्थर हड्डी के ऊपर जो ढेर सारा वजन दे देगा, क्या दे देगा, ढेर सारा वजन दे देगा, चाहे जिधर से इधर से उधर से वजन दे करके उसको मोड़ देगा, कुछ दिन के लिए छोड़ देगा, अब क्या होगा, वो हड्डी टेढ़ा हो जाएगा। अगर कोई लकड़ी है, नुकीली लकड़ी है, उसको अगर औजार बनाना चाहेगा वो पकड़ने के लिए, या फिर घुमावदार औजार हो, औजार बहुत किस्म का होता है, तो वो क्या करेगा, उस लकड़ी के ऊपर भी पत्थर उत्थर रख करके उसको टेढ़ा कर देगा। ठीक है ना, तो यही दबाव विधि यही है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी औजार बनाए जाते होंगे जिसको घुमाया जाए, जिसका रुख बदला जाए, तो उसको हम लोग दबाव विधि में रखते हैं। तो दो तरह से औजार बनते थे, पहला हो गया पत्थर से पत्थर को टकरा कर, दूसरा हो गया दबाव विधि। दबाव विधि का मतलब दाब देना, बस सिंपल से इसके याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि पाषाणकालीन मानव कैसे वस्त्र पहनते थे, उनका कपड़ा कैसा था, वो पहनते क्या थे। ठीक है, क्या कि उस समय तो कपड़ा मिल नहीं था, मार्केट नहीं था, तो वो पहनते क्या थे। तो वो जानवरों के चमड़ी का वस्त्र का प्रयोग करते थे। कौन सा जानवर, वो जानवरों को मार दिया करते थे, उसके मांस खा लिया करते थे, और उनके चमड़ों को जो है वो कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे। और ये जो कपड़े वो लोग इस्तेमाल करते थे वो ज़्यादा दिन नहीं करते थे, क्योंकि वो चमड़े से बदबू आने लगती थी, इसलिए ये उसको बदलते रहते थे हमेशा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो रोक कर इसे नोट कर लें। चलिए बच्चों, हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल और छठा सवाल है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है।
देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि वे लोग औजार बनाने के लिए पत्थरों को आपस में लगड़ा करते थे। तो एक दफ़ा जब वे औजार बना रहे थे, पत्थर को लगड़ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ घास भूसा भी था। लगड़ते लगड़ते उसमें से चिंगारी निकली और वो आग लग गई। जब आग लगी तब उन लोगों को समझ में आया कि ये क्या है, यानी उन लोगों ने फिर आग को पहली बार देखा। जब आग को पहली बार देखा तो उन लोगों के पास तो कपड़े कम हुआ करते थे, सर्दी के दिनों में उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि नहीं, आग बहुत अच्छा चीज़ है। आग के पास वो रहने लगे, आग के पास रहने लगे तो फिर उसके बाद उसको क्या देखा कि आग से रोशनी हो रही है, तो फिर वो रोशनी के लिए आग जलाने लगे। जानवर भी आग को देख करके भागने लगे। अब सबके लिए तो वो अजूबा हो गया, आदमी के लिए तो अजूबा था ही था, जानवर भी ज़िंदगी में पहली बार आग देख रहा है और काफ़ी उसमें से हीट निकल रहा है, तो वो उससे डरने लगा था। तो ये लोग क्या करते थे, जानवरों को भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। एक लकड़ी में कुछ आग लगा करके उसे दौड़ाने लगे जानवर लोग को भी। तो आप समझ रहे हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आपको आंसर देना है पुरापाषाण काल में। किस काल में होता था, पुरापाषाण काल में। आग उत्पन्न करने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया था, क्या सभी पत्थर को रगड़ के वे आग उत्पन्न कर लेते थे, नहीं, चकमक पत्थर। उस पत्थर का नाम क्या था, चकमक, याद रखिएगा इसे। तो मानव पूर्ण रूप से कब विकसित हुआ, आपको देखिएगा मानव जो है पूर्ण रूप से कब विकसित हुआ, तो वो हुआ था नवपाषाण युग में। देखिए हुआ क्या था कि मानव जो है पहले क्या खाते थे, कंद मूल ये सब खाते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसने अचानक से जो है प्राकृतिक रूप से जो फसल उगी उसे वो खाना शुरू कर दिए। ठीक है, जब वो अच्छा अच्छा खाना खाने लगे, आग का आविष्कार हो चुका था, तो वो क्या करते थे, कच्चे मांस पहले खाते थे, फिर वो मांस को पकाकर खाने लगे। ठीक है ना, तो उससे हुआ क्या कि मानव का जो मस्तिष्क था, जो उसका दिमाग था, वो उसका ग्रोथ होने लगा, डेवलप करने लगा। तो इससे वो क्या हुआ, तो उसी लिए कहा गया कि मानव पूर्ण रूप से विकसित कब हुआ, उसमें क्या मतलब कि उसमें क्या परिवर्तन आ गया था, तो वो नवपाषाण युग कहलाया। ठीक है, यानी इंसान नए तरह से जीना प्रारंभ कर दिया, कब, नवपाषाण युग में। ठीक है, उसके बाद हमसे सवाल है अगला हमारा कि पहिए का आविष्कार कब किया गया, यानी पहिया इसको हम लोग कह रहे हैं। पहले हर चीज़ में पहिया आप देखिएगा, मोटर में पहिया, स्कूटर में पहिया, रेलगाड़ी में पहिया, हवाई जहाज़ तक में पहिया, भले वो आसमान में उड़ता है लेकिन जब नीचे उतरता है तो वो भी पहिए पे चलता है। तो ये जो गोल गोल पहिया है, इसका भी तो कोई दिमाग लगाया होगा कि हाँ पहिया गोल होना चाहिए कि यहाँ से वहाँ चला जाएगा। तो आखिर इसको बनाया कब गया था, तो वो भी हमारे नवपाषाण काल में बनाया गया था। इन लोगों ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। जब इन लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया तो इन लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया एक जगह से दूसरा जगह जाना। ठीक है ना, ये लोग फिर एक जगह से दूसरा जगह बहुत आसानी से आ जा सकते थे। तो जब पहिए का आविष्कार हुआ ना, तो ये इन लोगों का जो ऊर्जा काफ़ी कम खर्चा होता था, तो ये लोग दूसरे चीज़ में फिर दिमाग लगाने लगे, कृषि करने लगे, खेती करने लगे, जानवरों को पालने लगे। पहले इन लोगों का सारा ऊर्जा किस में था, खाना को ढूंढने में, इधर उधर बौकने में, सारा ऊर्जा इन लोगों का ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन अब क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो सारा सामान तो बैलगाड़ी पर जाने लगा, तो इन लोगों का दिमाग थोड़ा जो है कम ऊर्जा खर्चा होने लगा। तो ये लोग फिर अपने आप को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करने लगे अपना दिमाग, तो ये लोग फिर ग्रोथ हुआ और आगे। तो इस तरह से पहिए का जो आविष्कार हुआ कब हुआ, नवपाषाण युग में। फिर है हमारा कृषि का शुरुआत कब हुई। अब देखिए, अभी हमने आपको समझाया कि वे लोग पहले अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा खाना खाने के बाद आग का आविष्कार हो गया था, वो खाना को पका कर खाने लगे, थोड़ा सा उसमें दिमाग में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इन लोगों की सारी ऊर्जा तो भोजन को ढूंढने में बर्बाद हो जाया करती थी। ठीक है, तो जब इन लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया तो वे लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से आ जा सकते थे। उसके बाद जब इन लोगों की ऊर्जा अंदर हुई, ताकत इन लोगों के अंदर आया, तो इन लोग सोचने की क्षमता बढ़ी, तो फिर इन लोगों ने अपनी कृषि की शुरुआत की, यानी अपना खेती करने की सोची। तो कब हुई थी ये भी नवपाषाण काल में हुआ था। यानी जितनी भी घटनाएँ, यानी अपने आप को जब सवाल में देखिए कुछ चेंजिंग वाले आएंगे कि जितनी भी घटनाएँ हुई जिसमें चेंजिंग हुआ है, तो वो कब हुआ है, सब नवपाषाण युग में हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद भी आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।